अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं जी आप सब जी। उम्मीद करता हूँ जैसा खैरियत होंगे आपकी दुआओं से, अल्लाह फजल करम शुक्र से जी मैं भी ठीक ठाक। और इस वक्त आप देख रहे हैं जी उस्मान व्लॉग चैनल। तो आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आपको पता ही है कि आज पाकिस्तान में ईद का सेकेंड डे मनाया जा रहा है, और आप तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से ईद का सेकेंड डे मुबारक हो। और हमारा जो है वो पहला दिन भी इधर ड्यूटी पर गुजर गया ये किंग पिज़्ज़ा पे, तो आज दूसरा दिन भी ड्यूटी पर ही है। तो अभी मैं मौजूद हूँ जी इसकी रूफ टॉप पे। तो इधर इतना अभी मौसम जो है वो काफ़ी हल्के से बादल हैं, लेकिन हवा जो है रुकी हुई है, रूफ टॉप पे बिल्कुल हवा नहीं लग रही, थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है। तो आपको पता ही है कि मैं डेली रूटीन लाइफ व्लॉग्स बनाता हूँ, तो कोशिश होती है कि अच्छी से अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ। तो अभी आज का दूसरा दिन भी मेरा इधर रेस्टोरेंट पर ही है, तो अभी तो इतना रश नहीं था इधर, तो मैंने सोचा फोन है कि व्लॉग्स बनाया जाए। तो अभी मैं मौजूद हूँ इसकी रूफ टॉप पे, और आपको थोड़ा सा इसका बैक से व्यू दिखाता हूँ, व्यू देखें किस तरह का व्यू बनता है। और अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें समान भी लोगों को, ताकि अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप तक जी आसानी पहुँची रहें। तो ये है जी इसकी रूफ टॉप, नीचे पत्थर वगैरह लगा हुआ है, ठीक है, VIP किस्म का पत्थर है। तो अभी इन लोगों ने इसको डेकोरेट नहीं किया, मतलब सिटिंग के हवाले से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्लानिंग है कि इसके ऊपर भी हम सिटिंग करवाएँगे जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं, ठीक है। तो अभी मैं मौजूद हूँ रूफ टॉप पे, बैक साइड पे हमारे है जी एक बहुत ही प्यारा टाउन, ग्रीन व्यू, ये सारा बैक साइड पे, ये थोड़ी सी फसलें हैं और ये सारा टाउन बना हुआ है, ठीक है। एक VIP किस्म का टाउन है, तो ये साथ में एक हॉस्पिटल भी है, और ये स्कूल था इधर, ईफा स्कूल सिस्टम आप देख रहे होंगे सामने, लेकिन ये इधर से बंद हो चुका है। तो अभी मैं मौजूद हूँ जी रूफ टॉप पे, इधर लाइटिंग सेटिंग भी की हुई है मेन जो है मेन व्यू पे, तो ये लड़ियाँ वगैरह भी लगी हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं ये लड़ियाँ वगैरह। एक तो है वो बिल्कुल नीचे जा चुकी है अंधेरी आंधी की वजह से, तार ये वाली तार, इस तार से हमने दिया है मेन कनेक्शन, तो इससे बिल्कुल वो तार नीचे जा चुकी है, तो हम इसको ऊपर खींचते हैं। तो हमें नीचे करना है, ठीक है। इस तार को हम तोड़ भी ऊपर करेंगे, इस तार से हमें दिया है मेन कनेक्शन। तो ये सारा हमारा रोड है, लुडा रोड इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। नीचे ट्रैफिक चेक करें, और अभी जो है वो पाकिस्तान में लगता ही नहीं है कि ईद है, इतनी रौनक सौनक नहीं है, ठीक है, बिल्कुल वीरान से रोड है और लोग घरों में बैठे हुए हैं। अभी जैसे पहले ईदें लोग मनाया करते थे, सारी सारी रात चांद रात को गलियों में फिरना, ईद के पहले दिन इतना रश होता था 11-12 बजे तक, तो अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है, अभी निज़ाम बिल्कुल ख़राब हुआ है। तो मैं था ड्यूटी पे, तो अभी मैंने कहा चलो फ्री तो हैं, कोई ना कोई व्लॉग बना लिया जाए। अभी रोटी भी नाश्ता मैं घर से करके नहीं आया था, तो देखते हैं आज लोग ये क्या लेकर आते हैं। तो भूख काफ़ी लगी हुई है, तो नीचे जो है गाने छाने चल रहे हैं, ठीक है, आवाज़ आपको आ रही होगी। तो मौसम हल्का सा बादल है, इस आप चेक कर सकते हैं सूरज पे, और हवा जो है बिल्कुल ही बंद है, इसी वजह से जो काफ़ी ज़्यादा गर्मी बनी हुई है। और सेकंड डे ऑफ ईद हमारा ड्यूटी पे ही गुजर जाएगा। रेस्टोरेंट लाइन में आपको और कोई काम अगर आप चूज़ करते हैं तो आपको छुट्टी हो जाएगी, लेकिन इस काम में आपको छुट्टी की उम्मीद बिल्कुल नहीं है ना, बड़ा ना डिफ़िकल्ट फील्ड है ये वाली भी, मुश्किल ही है इस फील्ड में। छुट्टी के लिहाज से बताना पड़ेगा, फोर्थ की कोई हो जाए कोई एमरजेंसी तब बताना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल है इस काम में, ठीक है। इससे बेहतर को काम देखें जिसमें आपको वीकली एक छुट्टी हो, ठीक है, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसमें भी काफ़ी गर्मी लगती है, ऊपर से इधर कभी लाइट चली जाती है, चेक करें यार क्या सूरत हाल है, ये पाकिस्तान है क्या है यार, लोगों का मुल्क इतनी तरक्की कर चुके हैं, लेकिन इस मुल्क में ईद वाले दिन भी लाइट नहीं आती यार, क्या बंदा करे ऐसे हुक्मरानों का।
बस यार क्या कर सकते हैं। तो अभी बस ईद मेरी गुजर गई है ड्यूटी पे ही, और साथ साथ व्लॉगिंग भी करता रहता हूँ, ताकि यार इंसान जो है वो दो काम करे, एक काम में ही अपना टाइम ना ज़ाया करे, किसी और काम में भी अपना स्ट्रगल करे, ठीक है। तो इस चैनल पर आपको मेरे बहुत सारी वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, अच्छी से अच्छी वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो इसी तरह सपोर्ट किया करें, मैं हूँ या कोई और भी है, इसी तरह सपोर्ट करें किसी इंसान को, ताकि वो अच्छी वीडियोस बनाए, बेहतरी लेकर आए अपने आप के अंदर। तो अभी थोड़ी सी हवा भी चलना शुरू हो गई है और मुझे भूख काफ़ी ज़्यादा लगी है, इसी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हूँ। तो अभी वेट कर रहा हूँ ना कब लेकर आते हैं ये खाना, तो क्या हमें खाने में मिल रहा है, मेरे ख्याल से चावल होंगे आज या फिर गोश्त ही होगा, आपको पता है ईद के हवाले ईद के दिन में ज़्यादा गोश्त ही मिलता है, ठीक है। तो इसी तरह आज के व्लॉग का हम करते हैं जी दी एंड, और इसी तरह देख रहे हैं जी सामान व्लॉग। और अभी थोड़ी देर पहले एक दो ऑर्डर आया था, मैं डिलीवर करके आया था, तो अभी जब कोई ऑर्डर आएगा इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी बनाई जाएगी। अल्लाह हाफिज़।